फाइनली गाइस, क्या आप लोग भी फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको भी फेसबुक पर इस तरह से म्यूटेड ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम का इस तरह से नोटिस मिल जाता होगा जब भी आप स्टोरी लगाने के लिए जाते हैं। तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर आप आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम जब आती है आपको, जब आपको कॉपीराइट के ऊपर वो सॉन्ग उपलब्ध नहीं होता है और फिर भी आप उसे लगाना चाहते हैं, तो उसके बावजूद यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आती है। और भी कई सारे प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कत आ सकती है, लेकिन हम आपको बताएंगे इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फेसबुक एप्लीकेशन से बैक कर लेना होगा। जैसे आप इसे बैक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको सारी साइडों को इस तरीके से क्लियर कर देना होगा। जैसे आप अपनी साइडों को क्लियर कर देते हैं तो आप देख पाएंगे आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा। उसके बाद आइएगा आप अपने मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में आने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक, और देख लीजिए कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अपडेट है या नहीं। अगर अपडेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं अपडेट है तो अपडेट कर लीजिएगा। जैसे आपका इतना काम हो जाता है उसके बाद आप ओपन करिएगा मोबाइल की सेटिंग को। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप आइएगा ऐप्स के अंदर। जैसे आप ऐप्स के अंदर आएंगे तो आप देख पाएंगे आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है नीचे की ओर और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है अपने फेसबुक एप्लीकेशन को। जैसे आप फेसबुक में आएंगे, परमिशन के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे परमिशन में आपने सारी परमिशन को ऑन करके रखा है या फिर नहीं। अगर नहीं रखा है तो माइक्रोफोन को ऑन कर देंगे और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दो तीन ऑप्शन, उन्हें भी आप ऑन कर सकते हैं। जैसे आप ऑन करेंगे उसके बाद आपको बैक करना है और यहाँ पर आना है अपने फेसबुक में। जो भी आप फोटो वीडियो लगाना चाहते थे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम इनमें से इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पर कोई सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं, अब देखिए यहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर फिर भी मिलती है तो आपके पास एक तरीका और है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। वो तरीका यह है कि आप एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे और आई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे स्टोरेज में आएंगे और स्टोरेज में आने के बाद क्लियर डाटा पर क्लिक करके आप लोग डाटा को डिलीट कर देंगे, दोबारा से लॉगिन करेंगे, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।